तो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है और दो लड़कों की जोड़ी ये बात बखूबी समझती है और इसीलिए आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से दोनों लड़कों की जोड़ी की जो निगाहें हैं वो यूपी पर ही टिकी हुई हैं। लेकिन अब ये नई तिगड़ी है क्या दोनों लड़कों की और साथ ही नई प्लानिंग क्या है, दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी के इस कॉन्फिडेंस के मायने क्या हैं? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की जोड़ी 24 के चुनाव में बड़ा कमाल करने वाली है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी का दम दिखने वाला है? यूपी में अखिलेश की नई रणनीति क्या है? एमवाई के मुंह से बाहर निकले अखिलेश, पहले 24 की सियासी जंग को जीतने का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, फिर रणनीति दिख रही है। जी हाँ, मुस्लिम और यादव समीकरण के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता के टॉप पर पहुंचने वाली समाजवादी पार्टी ने बदले राजनीतिक हालात को देखते हुए अपनी रणनीति बदली है। धर्म और जाति के खांचों में बंटी प्रदेश की राजनीति में इस बार अखिलेश ने एमवाई के मोहजाल से बाहर निकलकर गैर यादव पिछड़ी जातियों पर फोकस बढ़ाया। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं उसने 17 सीट कांग्रेस को और एक सीट टीएमसी को दी है। अखिलेश ने इन 62 में से 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट पर पार्टी ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में हैं। कल दो लड़कों की जोड़ी भी कन्नौज में थी और संविधान का हवाला देकर राहुल गांधी के भाषण में वो कॉन्फिडेंस भी दिखा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार राशन दे रही है, कांग्रेस तो भाषण देकर के सारा राशन खा जाती थी। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के नए समीकरण के आगे बीजेपी टेंशन में है। अखिलेश यादव ने इस बार सबसे ज्यादा 17 सीटें दलितों को दी है, इसमें से 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इस 17 में से 6 उम्मीदवार जाटव समाज के हैं, जिन्हें मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। यानी अखिलेश की नजर बीएसपी के घटते वोट प्रतिशत पर भी है और बीएसपी के वोटरों को भी समेटना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ये प्लान बताता है कि इस बार बीएसपी के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगने वाली है, लेकिन अखिलेश का नया समीकरण कितना कामयाब होगा ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो चक्रव्यूह बिछाया है उसका जातीय आधार किस तरह का है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस जाति के कितने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। दलित जाति की बात करते हैं, 17 है। कुर्मी पटेल की बात की जाए तो 10 है संख्या। और उसके बाद आप देखिए दलितों का जो आंकड़ा है वो भी आपको बता रहे हैं उम्मीदवार का, साथ ही कुर्मी पटेल का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। कुशवाहा और जो शाक्य सैनी है उनके 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। यादवों की बात की जाए तो 5 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। और उसके बाद मुस्लिमों की बात की जाए, 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ब्राह्मणों की बात की जाए, 4 ही उम्मीदवार हैं ब्राह्मणों से भी चुनावी मैदान में। क्षत्रिय की बात की जाए तो 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। निषाद और बिंद की बात की जाए तो 3 ही उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। जाट की बात की जाए तो 2 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। और गुर्जरों की बात की जाए तो गुर्जर समाज से 1 उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजभर से भी 1 ही है संख्या। और पाल की बात की जाए तो पाल से भी 1 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोधियों की बात की जाए 1 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और उसके बाद भूमिहार की बात करें तो 1 ही है। और उसके बाद वैश्यों की बात की जाए तो 1 ही है। तो इस तरह से ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस जाति से कितने उम्मीदवार सपा ने चुनावी मैदान में उतारे हैं।